उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहस तहसील के गौरा गांव में प्रसिद्ध संत फकीर मलंग शाह बाबा की मजार है, जिनकी मजार पर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ही अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपनी मुरादों को पूरी करते हैं। पूरी श्रद्धा इनमें है और आज यह सरजू के एकदम धार के बीचों बीच है, यह एकदम खतरे के मुहाने पर है। प्रस्तुत है इस संदर्भ में हमारे प्रतिनिधि राकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये घाट देख रहे हैं बरहज का, जिसपे नदी अपना पूरा रुख घाट की ओर की हुई है। यह गौरा का घाट है जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ एक संत पुरुष की दिव्य स्थली है। उस स्थली पर वर्तमान चेयरमैन नगर पालिका के श्री अजीत जायसवाल जी द्वारा उस प्रसिद्ध स्थली को बचाने के लिए घाट का निर्माण किया जा रहा है, जो आप सामने देख रहे हैं। यह मलंग शाह बाबा का मज़ार है जो दूर आपके सामने दिख रहा है। अभी हम उसके नज़दीक भी चलते हैं और यहाँ पर पिलर तैयार किए जा चुके हैं, भूमिगत से नीचे ऊपर आ गए हैं और ये पिलर जो देख रहे हैं ये उस मलंग शाह बाबा की, जहाँ पर उर्ष पे मेला के रूप लगता है और वह नदी की कटान पे एकदम जर्जर अवस्था पे हो चुका है, दांत पर एकदम कहें नदी के लगा हुआ है और इसको बचाने का प्रयास श्री अजीत जायसवाल जी कर रहे हैं, जो धन्यवाद के पात्र हैं कि अपनी भारत की उत्तर प्रदेश के इस बरहज विकास की ओर अग्रसर करते हुए अपने शहीदों को, अपने महापुरुषों को उन्होंने अभी भूला नहीं है उनका। आइए अब हम आपको उस महापुरुष मलंग शाह बाबा की मज़ार का दर्शन कराते हैं और ये मलंग शाह बाबा का मज़ार आपके सामने है। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगता है वह प्राप्त होती है। और आप ये जो गहराई देख रहे हैं, जो नदी में कट करके विलीन हो चुका है, एकदम उनके पैर के पास से देखिए, ये पेड़ पौधे भी उग गए हैं, पीपल वगैरह के वृक्ष भी उग गए हैं और जिसको बचाने का प्रयास माननीय अजीत जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है घाट का निर्माण करा के। और ये है आपका मलंग शाह बाबा का मज़ार। इसके ऊपर गुम्बद हुआ करता था, वो सब ये छेड़ हो चुका है, खुले आसमान में है। ये आपको चारों ओर का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, जो जर्जर अवस्था में आपके सामने सब प्रस्तुत है। और ये है नदी की धारा, ये मलंग शाह बाबा का मज़ार का कोना जो कि पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर है। यह कोना नदी में विलीन हो चुका है और नीचे खाई है जहां हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इस पर दीवाल का एक रूप धारण करके नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इसको बचाया जा सके। और ये सामने ये जो आप देख रहे हैं बीम टाइप का स्ट्रक्चर, इस पे सरिया लगी हुई हैं, ये घाट के निर्माण के लिए और इस मलंग शाह मज़ार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज से लगभग 180 वर्ष पूर्व मलंग शाह बाबा यहाँ पर आए थे और उनके प्रति हिंदू और मुसलमानों की
अगाध श्रद्धा भक्ति यहाँ देखने को मिलती है। मलंग शाह बाबा का यह मजार जो है 1998 में जब महाबाढ़ जो है बरहज को घेर रखा था, उस समय ऐसा कहा जाता था कि बाबा इस मजार के चारों तरफ निकल के रात को घुमा करते थे। कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी है, आज भी उनकी दिव्य आत्मा का दर्शन वो प्राप्त करते हैं, यह एक सिद्ध पुरुष रहे हैं और इनके बारे में तमाम लोगों की तमाम कथाएं यहाँ प्रचलित हैं। यहाँ पर जो है तमाम अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों ने तमाम वादे किए, लेकिन इस मजार को अब तक बचाया नहीं जा सका। इस दुष्कर कार्य और कठिन कार्य के लिए संपदा जो है नगर पालिका अध्यक्ष अजीत जायसवाल की सराहना करती है। मैं अंजनी कुमार उपाध्याय अपने मित्र राकेश श्रीवास्तव के साथ संपदा न्यूज पर।